ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जीके मैथ मस्ती में। मैं हूं जितेंद्र। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, इसके बारे में पूरा हम जानेंगे डिटेल्स में। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, ये कौन सा इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था जो प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर में दो तरह का प्रिंटर होता है, एक दूसरा प्रिंटर, एक और दूसरा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको बताया था। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें मैं आज लेज़र प्रिंटर बताने वाला हूँ। उसके पहले एक और वीडियो में बताया था, वो हिंदी और इंग्लिश में, जो हिंदी में भी और इंग्लिश में, नहीं कि मैं इंग्लिश में सिर्फ बताऊँगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं हिंदी में भी आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जब भी मैं वीडियो डालता रहूँ तो आपके पास पहुँचता रहे और वीडियो का आप वॉच करते जाएँ और आप ज्ञानी बनते जाएँ। तो चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट बताएं आपको वीडियो और किस चैप्टर से चाहिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको यहीं से पूरा ऑनलाइन आपको पूरा डीसीए कोर्स करा सकता हूं यहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है हम जानते हैं। तो लेज़र प्रिंटर आपका यहाँ पर एक इमेज शो हो रहा है कि ये लेज़र प्रिंटर का एक इमेज है कि लेज़र प्रिंटर क्या होता है। लेज़र आप समझे भी होंगे, जो छोटा सा एक लेज़र लाइट बोला है वो भी लेज़र लाइट होता है। ये लेज़र प्रिंटर है, मीन्स क्या हुआ कि दे आर पेज प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन पेज एट ए टाइम। मीन्स क्या हुआ कि ये प्रिंटर क्या करता है कि एक समय में दे आर पेज प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन पेज एट ए टाइम। मीन्स क्या हुआ कि यह एक टाइम में एक पेज निकालेगा, एक टाइम में एक पेज प्रिंट ये करेगा। ये नहीं कि जो डॉट प्रिंटर था, जो क्या डॉट प्रिंटर मैं आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, कि जो डॉट प्रिंटर था उसमें क्या होता था कि आपको डॉट 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 कोई भी चित्र बनेगा ये बनेगा, तो डॉट 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 कट करते ये बनेगा इम्पैक्ट प्रिंटर, मैंने आपको बताया था। मगर इसमें क्या है कि ये एक बार में एक ही से बनाकर निकाल देगा, एक प्रिंटर में एक निकाल के आपको दिखा देगा। तो आप प्रिंटर इजीली देखे भी होंगे, तो ये इंटर होता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र प्रिंटर्स आर लेज़र बीम्स सोर्स मिरर। इसमें क्या होता है कि एक सोर्स होता है, जो प्रिंटर यानी जो कंपोनेंट्स इसमें होता है, जो मिरर सोर्स फोटो कंडक्टिव ड्रम एंड टोनर, इसमें तीन चार जो होता है, टोनर होता है, ट्रम्प पेंटर होता है, और ये जो बीम होता है, और ये मिरर होता है, यहाँ पर एक लगा रहता है मिरर भी लगा रहता है, यहाँ पे बीम होता है, ये सब इसमें लगा रहता है। फिर दे प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी आउटपुट बिकॉज दे फ्रॉम करेक्टर बाय वेरी टीनी इंक पार्टिकल्स। मीन्स क्या हुआ कि ये वेरी हाई क्वालिटी, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये पहले 3,000, 10,000, 15,000, आज भी ये नहीं कि ये मिल रहा है कितना इसका प्राइस, इतना प्राइस है, 3,000-4,000 मिलता है, जैसा भी चाहेंगे वैसे मिल जाएगा जो लेज़र प्रिंटर होता है। पहले में कुछ ज़्यादा मिलता था, अब थोड़ा कम ही मिलता है। तो हाई क्वालिटी आउटपुट बिकॉज दे आर करेक्टर बाय वेरी टीनी एंड पार्टिकल्स, माने इसका जो औजार होता है वो वेरी हाई क्वालिटी का होता है, जो कि जल्दी खराब ही नहीं हो सकते, आपको ये याद रखना। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था कि इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट। मैंने आपको बताया भी था कि ये हाई क्वालिटी प्रिंट करता है, पूरा हाईली, मीन्स हम उसको स्पष्ट देख सकते हैं प्रिंट, और ग्राफिकल ऑन पेपर, ये पेपर पर करता है बहुत हाई क्वालिटी कलर एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग इन द अवेलेबल। ये ब्लैक में भी आप कर सकते हैं और ये वाइट में भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोनेटिक प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफी वेरन द सोर्स इंक इन द टोनर। इसमें क्या मैंने बताया कि जो अलग अलग इसमें बॉक्स लगा रहता है, इसमें इंक रहता है CMYK, मैंने आपको बताया था ये पूरा आपको ये रहता। फिर इसको हम हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेज़र प्रिंट क्या होता है इसको हिंदी में। तो लेज़र प्रिंट नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है, ये क्या मैंने आपको पहले बताया था कि ये
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर का प्रयोग सिस्टम 1970 के दशक से हो रहा है। प्रिंटर का प्रयोग 1970 ईस्वी जो होता है उससे हो रहे, पहले ये मैनफ्रेंस कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1980 के दशक में लेज़र प्रिंटर का मूल्य लगभग $3,000 था। माने जब 1980 में जब 70 में प्रिंटर बना तो उस समय इसका मान के चले $3,000 मान के चले कितना हज़ार अपने इंडिया में हो जाएगा, मिला सकता है इससे ही। या ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम होता है। ये क्या होता है कि मैंने आपको बताया कितना इसका हाईली दाम है, और क्या कि मैंने बताया था कि आपको कि ये बहुत ही अपेक्षाकृत ये क्वालिटी में देता है और ये स्पष्ट इमेज बना कर देता है हमको, तो ये आपको याद रखना। तो मैंने बताया तो ये क्वालिटी अपेक्षाकृत तेज और उच्च क्वालिटी में टेस्ट और ग्राफिक निकालता है। जो ग्राफिक्स मैंने बताया था आपको कि जो ग्राफिक्स होता है, जो कि ये ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स में क्या हुआ कि ये हमको टेक्स्ट निकाल कर देता है बहुत ही स्पष्ट कि हम लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टाइप करके बताया तो ये बहुत ही ये इजीली ये आपको बता देता है। फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है अपना। वीडियो पसंद आता जा रहा है तो लाइक कर, वीडियो पूरा पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, देरी मत करिए। तो लेज़र, अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम और रोम का प्रयोग यूज़ किया जाता है। या प्रिंटर भी डॉक्स के द्वारा कागज पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉक्स बहुत ही बड़े बहुत ही छोटे आसपास होने के कारण बहुत स्पंज प्रिंट होते हैं। इस प्रिंट के कार्ट्रेट का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि आपको इसमें क्या होता है कि जो इसमें स्याही सूखी स्याही भी भरी जाती है और इसमें का डॉट डॉट बहुत पास पास रहता है। जैसे मैं 1 इंच में ना 300 इसमें डॉट लगा रहता है, 1 इंच जैसे हम आपको करना है ना तो उसमें 300 डॉट उसमें होगा तब एक कुछ शेप तैयार होगा। तो मैंने बताया था तो किया जाता है, लेकिन फोटोग्राफी मशीन में यह तेजी रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर 300 से लेकर 600 dpi माने डॉट पर इंच, मैंने बताया था कि 1 इंच में, मैंने अभी बताया आपको कि 300 से लेकर 600 dpi का प्रयोग किया जाता है। डॉट पर इंच ये पूछा जाता है कि dpi का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो डॉट पर इंच माने 1 इंच में 300 से लेकर 600 डॉट का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था पहले ही, फिर बताया तब तक उसमें अधिक रेलोजम की छपाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिसके विभिन्न रंगों के या प्रिंटर का मांग होते हैं क्योंकि यह छापने की गति ऊंची होती है। या क्वालिटी या प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि यह पेपर भी कर सकता है, प्लास्टिक भी कर सकता है, जिस पर भी कराना आप वो कर सकता है। प्रिंटर बहुत ही सक्षम तरीके से करता है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या आता है। फिर देखते हैं लेजर प्रिंटर की विशेषता, इसका विशेषता क्या है, मीन्स क्या हुआ कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मीन्स का हानि क्या है, इसका लॉस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज अभी जानेंगे। तो क्या होता है, उच्च रेजोल्यूशन माने रेजोल्यूशन में इसका, इसमें उच्च कोई भी लगाएंगे तो उच्च प्रभाव जो भी रहेगा वो क्या हमको अच्छी तरह से देगा, प्रिंट अच्छा देगा, कोई भी काम में अच्छा करके ये गा। इसका लेजर प्रिंट की विशेषता है उच्च प्रिंट गति। उच्च प्रिंट गति में इसका हुआ ये जल्दी हमको प्रिंट करके भी निकाल कर दे सकता है देगा। फिर बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त, ये कितना भी आपको छापना हो जैसे 1,000 2,500 जैसे हम आपको 500 प्रिंट निकालें एक बार में तो थोड़ा आप उसमें जो इंक होता है डाल दीजिए और वो एक बार में निकाल के आपको दे देगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा छपाई करता है। कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई, ज़्यादा जब छापेगा तो आपको कम इंक लगेगा तो आपको कम छपाई में आप इसे कर सकते हैं, खर्च कम लगेगा तो आप इसे कर सकते हैं। फिर तो या गया अपना लेज़र प्रिंट की कमियाँ क्या है, डिसएडवांटेज क्या, इसमें हानि क्या, इससे क्या हानि है। तो इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा, तो मैंने बताया था कि इंकजेट जो प्रिंटर था उससे ये लेज़र प्रिंटर क्या ये महंगा, ये तो महंगा पड़ेगा, अच्छा काम करेंगे तो महंगा होगा ही, ये आपको याद रखना। फिर टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा माने जो टोनर था मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, फिर ड्रम था उससे ये महंगा है। इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी,
जो इंकजेट प्रिंटर मैंने आपको बताया था, जो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताया था, तो उसमें क्या था कि इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि वो महंगा होता है। उससे महंगा ये क्या है, महंगा है भी है और ये भारी है। जब भी आप कोई काम करेंगे महंगा है मिले कोई सामान तो थोड़ा अच्छा भी होगा, ये इसका यही खूबी है। तो आपको ये याद रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। ये लेज़र हो गया, इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन। मेरे चैनल जेके मस्त मस्ती पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं हमेशा ना हमेशा डेली बाय डेली ट्रिक लेकर आता रहा तो मैथ का हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जब भी मैं ट्रिक डालूँ तो आप वीडियो को सबसे पहले आप देखें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वीडियो के लिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।